जीवीएन 24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए रुक करते हैं झारखंड की एक खबर पर। जमशेदपुर श्याम भक्त मंडल की ओर से निशान यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा साकची शिव मंदिर से लेकर जुगसलाई तक कुल 7 किलोमीटर की यात्रा तय की गई। इस यात्रा में भक्त श्री श्याम के निशान को कंधे पर लेकर खाली पैर पूरी यात्रा तय की, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। भगवान श्री श्याम को गाड़ी में बैठाकर यात्रा में शामिल किया गया। यात्रा में महिलाएं भगवान के साथ रास्ते भर फूलों की होली, इतर की होली और गुलाल से होली खेलते यात्रा पूरी की। भक्तों का कहना है कि यह यात्रा इसलिए निकाली जाती है क्योंकि जो लोग खाटू श्याम के दरबार तक नहीं पहुंच पाते हैं, वे लोग इस यात्रा में शामिल होकर भगवान श्री कृष्ण के उस रूप का दर्शन कर पाते हैं। सभी महिलाएं पूरी तरह भक्तिभाव से इस निशान यात्रा में शामिल। खाटू का आज का जो निशान यात्रा है, ये हम बहुत ही मतलब अविश्वसनीय टाइप्स है, क्योंकि सभी को इसमें एंजॉय करना होता है। भगवान सबको बुलाते हैं, इसलिए हम सब वहाँ निशान लेके जाते हैं। हाँ जी, ये निशान यात्रा निकल रही है, ये साक्षी शिव मंदिर से निकल रही है और बैकुंठ धाम तक, जुगसलाई बैकुंठ धाम। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, नाचते गाते धूम मचाते हुए जाते हैं। तो अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीवीएन 24 न्यूज।